नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिले के रेल नगरी खड़गपुर में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम सिरसा स्टेडियम में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर मंडल के रेल प्रबंधक मनोरंजन प्रधान, सिरवो की प्रेसिडेंट प्रिया प्रधान के अलावा मंडल कार्यालय के सभी उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे। रेल सुरक्षा बल के जवानों की सलामी लेने के बाद ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सिरवो प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस बीमारी की शुरुआत चीन से हुई है और चीन का कोई भी उत्पाद लंबे समय तक बाजार में नहीं रहता, जल्द ही यह बीमारी भी खत्म हो जाएगी। प्रिया प्रधान एक अच्छी वक्ता और कवित्री हैं, इसलिए कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए देश की एकता और अखंडता की बात कही। इसके बाद सिरवो प्रेसिडेंट ने भारत स्काउट एंड गाइड डेन जाकर के ध्वजारोहण किया। मनोरंजन प्रधान ने कहा कि जब विश्व का काम काज ठप पड़ा है, ऐसी सूरत में भी रेल सुचारू ढंग से काम कर रहा है। इस कोरोना काल में रेल के सभी कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। सिरवो कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण भी किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। देखिए पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। थैंक यू मैडम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कभी खोएगा ये अंग्रेजों ने, कभी खोएगा हमारे ये संघर्ष की देखा, वही हो डिवीजन की तुलना में यहाँ पर जो रहता है कोविड के केसेस काफ़ी कम था। इसके लिए एक स्टाफ उसके लिए सपोर्टिव है या आप लोगों का कुछ स्पेशल इंटेंशन बना उसके लिए? हम लोग काफ़ी अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की, जिससे आप यदि सावधान नहीं रहेंगे फिर ये होना ही, सावधान रहने के बाद भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, पर सावधान रहने से जितना कम होना है उतना कम होगा। तो हमारे डिवीजन में हम लोग सारे डिपार्टमेंट से सहयोग से पर्सनल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी लोग अपने अपने एम्प्लॉय को सावधान करके रखे हैं कि भैया ऐसा प्रिकॉशंस लेना है। इसके लिए सब लोग सब समय सर अपना लोगों ने कुछ मैंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए या कुछ इस तरह का ही सोचा है? नहीं, हम लोग अपने हर एक जो डिपार्टमेंट के जो अफसर है अपने, वो एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो अपने अपने जितने स्टाफ है वो फिर डाउन द लाइन सबको बोले हैं कि भाई ऐसा ऐसा सब। जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के माँ दुर्गा विद्यालय में आईपीएस परीक्षा समाप्त होते ही लगी छात्रों की भारी भीड़, लगा जाम, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। देखिए लोहता से हेमंत यादव की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माँ दुर्गा विद्यालय के सामने हम आए हुए हैं और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में थाना बाह के क्षेत्र ग्राम पंचायत चमरोहा के गांव खजुआपुरा में तालाब के पानी का निकास ना होने के कारण तालाब का पानी घरों में जा घुसा। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत कर चुके हैं मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तालाब का पानी घरों में भर जाने के कारण बीमारियां पनप रही हैं। देखिए पिंडौरा से रामनिवास की रिपोर्ट। Yeah, I got to go.
क्या नाम है आपका? मनीष राजपूत। मनीष जी, ये बताइए यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पे पानी की समस्या है, गांव के चारों तरफ पानी के निकल रहे हैं, तालाब में भी भरा हुआ पानी है, कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है गांव में। प्रधान से बोला रखा है और तालाब के पैसे भी आ रहे हैं गांव से, तालाब का पैसा ले रहा है जो है राजेंद्र नाम का बंदा एक, वो पैसा भरा हुआ ले रहा है, तालाब का निकास नहीं है, पानी का खरंजा कहीं निकास नहीं हो रहा है। आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की हो? शिकायत बोली है, लेटर भी दिए, SDM को भी लिख के दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही गाँव में। यूपी के जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत खेतासराय कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जानकारी हुई कि चौराहे पर कई दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम नयन यादव उम्र लगभग 80 वर्षीय, रामजीत उम्र लगभग 50 वर्षीय, विवेक 18 वर्षीय, ब्रिजेश 17 वर्षीय, रोहित 19 वर्षीय, कमलेश 34 वर्षीय है। इन सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शाम लगभग 5:30 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम चौराहे पर पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला क्योंकि रविवार बंदी का दिन था जिसकी वजह से सभी दुकानदार बंद थे, लेकिन घर पर लोग मिले। सिर्फ मौके पर राम नयन यादव अपनी दुकान पर मौजूद थे जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 108 नंबर एम्बुलेंस द्वारा पहुंचा कर ले गई। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, जिले के थाना खेतासराय क्षेत्र अंतर्गत खेतासराय कस्बे में आज कुछ लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक दुकानदार है, इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 108 नंबर उनको लेके गई है। उनके लड़के मौके पर मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो आपके पिताजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो 108 नंबर वाले ले गए यहाँ से? कब ले गए? तो आपको सूचना कब मिली कि इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है? आज 11 बजे। ठीक है। मध्य प्रदेश के जिला आगर मालवा के सोयत कला थाना क्षेत्र में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। कोरोना के चलते नगर पालिका क्षेत्र सोयत कला में प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां न तो पुलिस का कोई जवान और न ही कोई साधन। देखिए सोयत कला से मंजू दांगी की रिपोर्ट। जिला आगर मालवा क्षेत्र के सोयत कला नगर पालिका प्रशासन ने प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रखा है। तो थे अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।